हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं अभी हूँ CST मुंबई और मैं एक छोटी सी जर्नी करने जा रहा हूँ, जो कि एक जगह पे जाना है और वापस आना है। पता नहीं वापस कब आऊँगा, डिपेंड करता है। वहाँ पे घूमने के लिए जा रहा हूँ और बस देखते रहना जर्नी में। छोटी सी जर्नी है, छोटा सा वीडियो रहेगा। वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा हाथ धो लेता हूँ और खाना शुरू करता हूँ। खाना खाने के बाद खाना खाते हैं। अभी पैकेजिंग फूड ना खाएं, बट इमरजेंसी भी ज़रूरी है। क्या इसमें क्या सोना पैक किया गया, इतना टाइट है कि खुल ही नहीं रहा हैंडी। आज भूखा मरना पड़ेगा इससे। ये किस जानवर की चमड़ी हैंडी? क्या इन लोग क्या सोना गिना पैक किया है क्या समुद्र में? मुश्किल से दो दाना चावल दिखा अभी। ये खुल जाओ सिमसिम, आबरा का डाबरा। अगली बार ना इनके कंप्लेंट करना पड़ेगा, क्योंकि तुम लोग क्या अगर कोई कमज़ोर भूखा खाना का निकालेगा ना ऐसे इसमें से, हो गया भूखा ही मरेगा वो। ओ, इतना मुश्किल से इतना निकला है, उतने से ही खाऊंगा। 24 घंटे से कपड़े धो रहा हूँ, वो भी साबुन से। अब ये हाथ में धो इस खाने के लिए। आपको लग रहा हूँ मैं नाटक कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं उतना जोर का लगा रहा हूँ यहाँ पे जोर। तो गाइस मुश्किल से इतना ही निकला है। A few minutes later, भोजन संपन्नम। थोड़ा पानी पिया, याद रब को किया, भूख भी मिट गई, प्यास भी बुझ गई। एक्चुअली मैंने खाना खाया, अच्छा लगा मुझे। चंद्रयान साउथ पोल में बड़े ही आसानी से और बड़े ही सक्सेसफुल तरीके से चंद्रयान जो है वो लैंड हो गया, और इस बात की खुशी हो रही है कि जय हिंद इंडिया। मतलब इसरो साइंटिस्ट ने अपनी जो जितनी भी मेहनत की थी दिन रात लगाकर, वो मेहनत रंग लाई आज। उसके लिए शुक्रगुजार हूँ मैं गॉड को। थैंक यू कि उन्होंने सपोर्ट किया हमें। मोदी जी ने बड़ी अच्छी बात कही भाषण में कि हार से सबक लेकर किस तरह से जीत हासिल की जा सकती है, और एक बात कही कि धरती पर प्रण लेकर हमने आसमान में उड़ान भरी। ट्रेन बहुत तेज़ी से भाग रही है, वैसे नहीं ऐसे वैसे जैसे भी भाग रही है, बहुत तेज़ी से भाग रही है। पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आएगी या नहीं। ये रहे बीड़ू, पता नहीं कौन है, बस आराम से सोए हुए हैं और पब्लिक बैठी हुई है मस्त में। शुक्र, देखते हैं नींद आती है क्या। गुड नाइट। पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ये फ़ोन मुझे सोने नहीं देता और ना ही जागने देता है। अगर कोई इम्पोर्टेंट काम हो तो नींद आने लगती है, और फालतू का कुछ देखना हो तो कान खड़े हो जाते हैं। अच्छा, कान खड़े हो जाते हैं इससे। मुझे लगता है मैं ऐसा नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं। बस सोना पड़ेगा अभी। A few minutes later. ठंडा पानी चले, पानी और आधा थोड़ा देखता बाजू खेवा। इतना जोर से चिल्लाया उसने कि मुर्दा भी जाग जा। मैं तो फिर भी इंसान हूँ और जिंदा भी।
से ट्रेन कर्जत में ही रुकी थी क्योंकि अभी नेक्स्ट खंडाला घाट आने वाला है, एक और इंजन एक्स्ट्रा लगाते हैं। तो खंडाला घाट जो है वो बहुत ही चढ़ान वाला है, ऐसे चढ़ान है एकदम, बहुत ही बड़ी चढ़ान है। अगर डे में मैं यहाँ से ट्रैवल कर रहा होता तो मैं दिखाता आपको। अगर डे में यहाँ पे ट्रैवल कर रहा होता ना तो इतना अच्छा व्यू आता है, एकदम हर तरफ ग्रीन ग्रीन। सोलापुर स्टेशन में है अभी, सुबह के 5:31 बजे हैं। नींद पूरी ना होने का चेहरा इस तरह होता है, बहुत नींद आ रही है और यहाँ पे सोने नहीं मिला है मुझे। इतनी भीड़ नहीं है, सोने का सीट है, बट मुझे ना शांति पसंद है, शांत जगह पे मुझे नींद आती है। क्या ही मुस्कुराऊंगा मैं ऐसा चेहरा लेकर, फ्रेश होता हूँ अभी तो जाकर वापस सोता हूँ, अगर नींद आए तो अच्छी बात है। एक बहुत ही अच्छी जगह पे घूमने के लिए जा रहा हूँ। तो गुड मॉर्निंग गाइस, एकदम पूरा बंदर की माफिक दिख रहा हूँ मैं अभी। रात वैसे कुछ अच्छी कटी नहीं, ठंड भी लग रही थी और ऊपर से नींद भी नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे सोने के लिए पीसफुल जगह बहुत अच्छी लगती है। यानी जितना शांत होता है ना, जितना वातावरण शांत होता है ना, उतना अच्छे से सो पाता हूँ मैं। अगर थोड़ा भी कोई कुछ भी आवाज़ आता है तो नींद नहीं आती, तो ट्रेन में सोना तो नामुमकिन है। तो सुबह सुबह मैंने सूर्य देव के टाइम लैप्स लिए हैं, वो भी डालता हूँ, वो रहे पीछे। तो मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचने वाला हूँ आधे घंटे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि अगला जो वीडियो है वो बहुत ही एक अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है, उस पर डालता हूँ। किसी काम की वजह से नहीं, शायद वो कुछ होता है ना बीच में, अभी याद नहीं आ रहा वो वर्ड कुछ होता है, मतलब सामने से कोई ट्रेन आ रही है इस वजह से यहाँ पे रुकी है ट्रेन। मतलब सुबह काफ़ी खूबसूरत है आज की सुबह, इतनी अच्छी।